अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आराध्य 24 सितंबर और रात के 9:31 हो चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह शरीफ में हाजिर हो चुकी हूं। तो आज सबसे पहले मैं आप लोग को महफिल खाने के अंदर ले चलूंगी जहां पे अनीस साबरी जी का प्रोग्राम हो रहा है और आप लोग भी सामने से देख पाइएगा अनीस साबरी जी को और उनका कलाम भी आप लोग सामने से सुन पाइएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले आप लोग ब्लॉग को मेरे लाइक कर दीजिए और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ की भी पूरी अंदर का ज़्यारत कराऊंगी। आज जो है तैयारियां जो है आगे बढ़ी हुई हैं और क्या क्या अभी आज की जो तैयारी है वो भी पूरा दिखाऊंगी मैं आप लोगों को।
और अब देखिए मैं आ गई हूँ बाहर। अभी रात के अब 10:40 हो चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग इधर का नज़ारा जो है कितना खूबसूरत है। तो मैं आप लोगों को अब ज़्यारत करवा रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज जो तैयारियाँ हैं कहाँ तक पहुँची है पूरी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी, आप लोग को कल वाला जो ब्लॉग था उसमें और आज के ब्लॉग में बहुत फ़र्क लगेगा। और मैं अभी 1 नंबर गेट के पास में भी काफ़ी तैयारियां हुई हैं और 2 नंबर गेट के पास में भी, तो मैं आप लोगों को पूरी ज़्यारत कराऊंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग पूरा माहौल जो है देख पाइए। और रात को इतनी मेहनत से बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो मेरा वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो भी पूरा हो सके। और ये देखिए शाहजहानी मस्जिद का खूबसूरत मंज़र आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है तैयारियां कहां तक पहुंची है अंदाज़ा कर सकते हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल जगमगा रहा है, देख सकते हैं आप लोग इस तरफ का मंज़र। और इस पे पर्दा जो है कल एक तरफ ही लगा था और देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ पर्दा जो है मेहरून कलर का देख सकते हैं आप लोग लग चुका है। और शाहजहानी मस्जिद जो है इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए इधर से 3 नंबर गेट की तरफ मैं निकल रही हूँ और इधर से मैं चलती हूँ 2 नंबर गेट का मंज़र दिखाऊंगी आप लोग को, फिर 1 नंबर भी। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग को मेरे ज़रूर देखिएगा और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप लोग। और ये देखिए 3 नंबर गेट का मंज़र देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पूरा दरगाह शरीफ जो है बिल्कुल जगमगा रहा है। और अभी तो तैयारियाँ हो रही हैं, आज जो है 8 रबीउल शरीफ हुआ और यहाँ पे देखिए कवाली हो रही है, इतनी आवाज़ नहीं आ रही है अभी। और ये 2 नंबर गेट है और देख सकते हैं आप लोग इस वक्त में दरबार शरीफ जो है बंद हो चुका है, ज़्यारत कर सकते हैं आप लोग। अभी 10:40 जो है ना 40 मिनट हो रहा है, इस वक्त का ये मंज़र है। और मैं इधर से ज़्यारत करवाते हुए आप लोग को लेकर चलती हूँ 1 नंबर गेट की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं कि ईद मिलादुन्नबी की जो तैयारियां है ना बहुत ही खूबसूरत हो रही है। और यहाँ पे जो पिछले साल भी है बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था और इस साल देखते हैं कि कैसा सजाया जाता है, इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगा। और देख सकते हैं आप लोग इधर में तैयारियां जो है कहाँ तक पहुँची हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1 नंबर गेट के सामने अभी यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और ये पूरे जब मुकम्मल हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह मैं हर रोज़ का आप लोगों को मंज़र दिखाऊंगी जहाँ तक ये तैयारियाँ आगे बढ़ेगी। और देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है, 1 नंबर गेट के सामने ये तैयारियाँ हो रही हैं। तो अभी और भी दरगाह शरीफ को सजाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी के लिए। अभी आज 8 रबीउल है और चलिए मैं 2 नंबर गेट की तरफ इधर का पूरा सामने से आप लोगों को नज़ारा करवाती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये देखिए यहाँ मैं ऊपर से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ से देखिए कैसा यहाँ का मंज़र लग रहा है। अब यहाँ भी जो है ना अभी 1 नंबर गेट के पास में सजावट हो रही है और यहाँ का मंज़र आप लोग देख सकते हैं। अभी 11 बजने वाले हैं और इस वक्त भी माशाल्लाह ज़ायरीन की जो भीड़ भाड़ है काफ़ी है। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी का जो माहौल है दरगाह शरीफ का ना आने के बाद में जाने का दिल नहीं करेगा बिल्कुल भी। और देखिए मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ और आज मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को अनीस साबरी जी की का प्रोग्राम भी दिखाई हूँ जो भी महफिल खाने के अंदर हो रही थी और इतना खूबसूरत आप लोग को नज़ारा करवाई हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा।